गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम लवनीत कौर एंड आई विल बी टीचिंग यू मार्केटिंग मैनेजमेंट आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए तो आज से हम अपना सलेबस स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का तो आर फर्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग ठीक है जी तो हम स्टार्ट करते हैं कि नेचर क्या होता है मार्केटिंग का सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है मार्केटिंग होता है जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उनको किस मार्केट में हम सेल कर रहे हैं कस्टमर की नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग उसको मार्केटिंग करते हैं तो नेचर क्या होता है मार्केटिंग का एक्सचेंज इज़ द एसेंस ऑफ मार्केटिंग एक्सचेंज का मतलब हम कुछ लेते हैं उसके बदले में हम कुछ देते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं वो प्रोडक्ट खरीदूंगी उसके बदले में मैं पैसे दूंगी ठीक है नेक्स्ट मार्केटिंग कस्टमर कंज्यूमर ओरिएंटेड। बेसिकली हम कस्टमर की नीड पूरी करने के लिए उनकी डिमांड्स जानते हैं ताकि हम उनको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दे पाए मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड विथ कस्टमर्स एंड कंज्यूमर कस्टमर से ही शुरू होती है कस्टमर पे ही ख़त्म होती है कस्टमर पहले हमें वो दे देता है मनी देता है कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसके ही नीड्स पूरी करते हैं कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन होती है मॉडर्न मार्केटिंग प्रोसीड्स एंड सक्सीड्स प्रोडक्शन पहले मार्केटिंग की जाती है फिर उसकी प्रोडक्शन की जाती है कि कितनी की डिमांड है फिर ही हम और प्रोडक्ट्स बनाते हैं मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड एंड द गोल बीइंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड मार्केटिंग जो की जाती है ये बेसिकली की जाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगी जब जो कंज्यूमर है हमारा कस्टमर है वो खुश होगा मार्केटिंग इज़ साइंस एज वेल एज एन आर्ट मार्केटिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम नहीं चेंज कर सकते सो इट इज़ अ साइंस एंड इट इज़ एन आर्ट बिकॉज हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है उसको कैसे सेल करना है डेट इज़ अ आर्ट मार्केटिंग इज द गाइडिंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस इट टेल्स वॉट टू हाउ टू प्रोड्यूस मार्केटिंग हमें बताती है हमें क्या कब कैसे प्रोड्यूस करना है मार्केटिंग का एक सिस्टम है देयर इज़ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मार्केटिंग इज अ प्रोसेस एक प्रोसेस है सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस ठीक है जी नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग हैज़ वेरी वाइड स्कोप इट कवर्स ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ आइडियाज़ टू रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स कैसे एक्टिविटी स्टार्ट होंगी वहाँ से लेके कैसे प्रॉफिट हम कमाएंगे वहाँ तक का प्रोसेस है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स गुड्स आर प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई कंज्यूमर वॉन्ट्स दे फॉर स्टडी इज डन टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स तो बेसिकली ये कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स पूरी करने के लिए किया जाता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहता है मार्केट में वो एनालिसिस ऑफ बायर बिहेवियर हेल्प्स मार्केटर इन मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग अब क्या क्या नीड्स हैं क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं कस्टमर की उसके बेसिस के ऊपर ही जो मार्केटर है वो टारगेट करता है मार्केट को नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इट इंक्लूड्स द एक्टिविटी ऑफ रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग सेगमेंटेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है जी तो इसमें कौन सी कौन सी एक्टिविटीज आएंगी कि हमें किस कहाँ कहाँ पे रिसर्च करनी है क्या क्या सेगमेंटेशन रहेगी ये सब ब्रांडिंग ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट इज अडॉप्टेड बाय मैनी रिप्यूटेड एंटरप्राइज टू मेक देयर प्रोडक्ट पॉपुलर अमंग देयर कस्टमर एंड फॉर मेनी अदर बेनिफिट्स अब ब्रांडिंग आपने सुना होगा जैसे एडिडास एक ब्रांड है प्यूमा एक ब्रांड है तो ये सब शूज़ के ब्रांड हैं तो आप कोई नॉर्मल शूज़ नहीं खरीदते जो इंसान को होता है कि हाँ मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ वो अच्छे से अच्छा ब्रांड ख़रीदता है रीबॉक एडिडास प्यूमा ये सब मार्केटिंग मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द ब्रांडेड पॉलिसीज़ प्रोसीजर एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है कि ब्रांडिंग से आपका जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट लगता है मार्केट में उसका एक नाम हो जाता है तो आपको ब्रांड से पता लग जाता है नेक्स्ट इज पैकेजिंग पैकेजिंग इज़ टू प्रोवाइड अ कंटेनर और रैप टू द प्रोडक्ट फॉर सेफ्टी अट्रैक्शन एंड ईज ऑफ यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट तो पैकेजिंग बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से हैंडल हो सके अट्रैक्टिव लगे और सेफ्टी के लिए भी ठीक रहे <coughs> नेक्स्ट इज प्राइजिंग पॉलिसी प्राइजिंग पॉलिसी में आएगा मार्केटर हैज़ टू डिटर्मिन प्राइजिंग पॉलिसी फॉर देयर प्रोडक्ट प्रोडक्ट हाँ ऐसा प्रोडक्ट रखना चाहिए कि उसका प्राइस ऐसा हो कि जो कस्टमर है वो पे भी कर पाए और उसकी जो पॉलिसी है वो हर एक प्रोडक्ट से डिफरेंट हो इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और जो प्राइस है वो और भी बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा जैसे कंपटीशन अगर तो प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो थोड़ा कम रखें ताकि ज़्यादा सेल्स हो ऐसे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के ऊपर मार्केटिंग गोल्स के ऊपर और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे प्राइजिंग की जाती है प्रमोशन प्रमोशन इंक्लूड्स पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग राइट प्रमोशन मेक्स इज क्रूशियल इन अकम्पलिशमेंट ऑफ मार्केटिंग गोल्स तो प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं खुद पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं खुद बेच रहे हैं ठीक है या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो आई होप आपको ये इतना सा टॉपिक क्लियर हो अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो थैंक यू